उत्तराखंड से संबंधित सभी छात्रों को आज़ाद ग्रुप की तरफ से, आज़ाद UPSC की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी अग्रिम परीक्षाओं के लिए, आपकी अपर परीक्षा के लिए, आपकी लोअर परीक्षा के लिए। यदि आप UK SSSC की कोई परीक्षा देते हैं तो उसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम देखने वाले हैं UKPSC का जो अपर का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में कुछ चीज़ों को हम समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्या चीज़ें हैं, तिथि क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, किस प्रकार से हमें तैयारी को करना चाहिए। तो सबसे पहले बता दें कि नोटिफिकेशन अभी कल ही जारी हुआ है और इसका जो प्रारंभ हुआ है 10 तारीख से फॉर्म फिल करने प्रारंभ कर दिए गए हैं। और आप सबसे भी विनम्र निवेदन है, जो भी छात्र देना चाहते हैं, किसी भी राज्य विशेष से आप बिलोंग करते हैं, आप उत्तराखंड का एग्ज़ाम PCS के अपर का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, लोअर का नहीं दे सकते। लोअर के लिए ज़रूरी है कि आप उत्तराखंड के निवासी हैं और साथ साथ उत्तराखंड के जो ज़िले हैं उनमें से किसी भी रोजगार पंजीयन कार्यालय में आपका पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन अपर के लिए ये शर्तें नहीं हैं, अपर का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। अंतिम तिथि क्या है, 30 अगस्त तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। कुल जो पद हैं वो 224 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसका एग्ज़ाम डेट क्या है, परीक्षा तिथि क्या है, आप मान के चलिए कि परीक्षा तिथि इसकी बहुत ज़्यादा होगी तो अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट, आप मान के चलिए कि अक्टूबर लास्ट में आपका एग्ज़ाम होना तय है। तो अक्टूबर लास्ट के लिए हमें अपनी तैयारियों को एक नए सिरे से, नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ हमें आगे बढ़ाना होगा और अक्टूबर माह के लास्ट तक निश्चित रूप से कोई डेट आपको मिल जाएगी और एग्ज़ाम आपका अक्टूबर माह के लास्ट में ही होना है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि पद आपने देख लिया कितने पद हैं, अब इसमें बहुत सारी शर्तें हैं कि आरक्षण का लाभ किनको मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, और नोटिफिकेशन की बात है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको पाठ्यक्रम में क्या है, प्रारंभिक परीक्षा है वस्तुनिष्ठ प्रकार की, इसमें दो पेपर हैं, एक है सामान्य अध्ययन का, एक है सामान्य बुद्धिमत्ता का, ठीक है, जैसे कि UPSC में पैटर्न होता है। अब सामान्य अध्ययन का जो पेपर है इसमें 150 अंकों का पेपर होगा, 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और इसके लिए आपको अधिकतम 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसी के साथ साथ सामान्य बुद्धिमत्ता का जो पेपर है 100 प्रश्नों का पेपर होगा और आप देखेंगे कि एक प्रश्न 1.5 अंक का होगा, 1.5 अंक का एक प्रश्न होगा, ठीक है। तो जहां फर्स्ट पेपर में 150 प्रश्न, वहीं सेकंड पेपर में 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और यह भी 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे इसमें अधिकतम समय आपको दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो ये दूसरा पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का है और कम से कम 33% अंक आपको अनिवार्य रूप से इसमें लाने हैं। ये भी आपको कन्फर्म होना पड़ेगा कि कम से कम 33% अंक आपको इस पेपर में लाने हैं, ठीक है। तो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है लेकिन कम से कम 33% यहाँ पे आपको अंक लाने हैं। और आपको बता दें कि चाहे आपका फर्स्ट पेपर है, चाहे आपका द्वितीय पेपर है प्रारंभिक परीक्षा का, प्रत्येक पेपर में 1/4 नकारात्मक अंकों का भी प्रावधान किया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1/4 नकारात्मक अंकों का प्रावधान आपके दोनों पेपरों में आपको देखने को मिलता है। तो इतनी चीज़ें आपकी स्पष्ट हुई कि नकारात्मक अंक हैं सेकंड पेपर में, 33% अनिवार्य है, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके बाद यदि हम बात करें मुख्य परीक्षा की तो मुख्य परीक्षा में आपको कुल 7 प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं और 7 प्रश्न पत्रों में कुल 1500 अंक आपके कवर होते हैं। 1500 अंक आपके 7 प्रश्न पत्रों में कवर होते हैं। पहला प्रश्न पत्र जो है ये भाषा का है, भाषा का प्रश्न पत्र है और भाषा का प्रश्न पत्र 300 अंकों का होता है, समय इसके लिए 3 घंटे दिए जाते हैं। दूसरा प्रश्न पत्र आपका जो है इतिहास, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज और संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, 200 अंकों का पेपर होता है और यहाँ भी 3 घंटे आपको मिलते हैं। पहले प्रश्न पत्र के अलावा, भाषा के प्रश्न पत्र के अलावा आपके सभी प्रश्न पत्र 200 अंकों के होते हैं। मुख्य परीक्षा लिखित है UPSC के पैटर्न पर, आपको पता होना चाहिए। तृतीय प्रश्न पत्र जो है यहाँ पे राज्य व्यवस्था आपको देखने को मिलता है, इसके बाद आपको सामाजिक न्याय देखने को मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भी प्रश्न यहाँ बनते हैं, 200 अंकों के प्रश्न होते हैं, समय 3 घंटे जैसे मैंने पहले आपको बताया। इसके बाद अगला चौथा प्रश्न पत्र आता है भारत एवं विश्व का भूगोल, भूगोल का एक अलग प्रश्न पत्र ही है, 200 अंकों का प्रश्न पत्र है, समय 3 घंटे। इसी प्रकार से आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा 200 अंकों का
होता है, समय 3 घंटे और ये आपका 5वां प्रश्न पत्र होता है। 6वें प्रश्न पत्र में क्या है, सामान्य विज्ञान हो गया, प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, एक अपने आप में बड़ा सेक्शन है और 200 अंकों के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, समय इसके लिए भी 3 घंटे का दिया जाता है। इसके बाद यदि हम देखें सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र, ये भी आपको इथिक्स भी देखने को मिलता है, सामान्य अभिरुचि भी देखने को मिलता है और ये भी 200 अंकों का होता है, जिनमें से 120 अंक रीजनिंग के आपके होते हैं सामान्य अभिरुचि के और 80 अंक आपको आचार शास्त्र से देखने को मिलता है। तो कुल जोड़कर आपके 1500 अंक होते हैं, साक्षात्कार 200 सब अंकों का आपका होता है। अब क्योंकि मुख्य परीक्षा लिखित है तो ज़रूरी क्या है कि जिस दिन से हम अपनी तैयारी प्रारंभ करते हैं, जिस दिन से हमने सोचा कि हमें प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी है, उसी दिन से हमें मुख्य परीक्षा के लिए लग जाना चाहिए, उसी दिन से हमें अपनी मुख्य परीक्षा लिखनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो यदि आप लोग सहमत हैं, यदि आप लोग सहमत हैं हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको बता दें मैं आपकी मुख्य परीक्षा की, प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी की विधिवत जिम्मेदारी लेता हूँ। और आपको बता दें मुख्य परीक्षा को लिखने का मेरा अनुभव रहा है वर्ष 2016 और वर्ष 2017, ये दो मेरे अभी तक के आप बोल सकते हैं कैरियर के दो सर्वश्रेष्ठ वर्ष रहे हैं 2016 और 2017, जहां पे मैंने यूपीएससी आईएएस का मेंस क्वालिफाई किया है। तो मुख्य परीक्षा लिखने का मेरा बहुत बेहतर अनुभव है। यदि आप सहयोग देंगे, आप सहयोग चाहते हैं और आप में से लोग तैयार होंगे, छात्र तैयार होंगे, तो निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा की कक्षाएं जो हैं आपकी निरंतर शुरू कर दी जाएंगी, एक एक सब्जेक्ट को लेकर। अभी आपके ऊपर है कि आप कब तैयार होते हो, आप कब मानसिक रूप से तैयार होते हो तैयारी के लिए। तो जब भी आपको तैयार हैं, अगर आप अभी तैयार हैं, आज से तैयार हैं, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कम से कम 10 छात्र यदि तैयार, कम से कम 10 छात्र यदि आज से तैयार होते हैं, तो कल से आपकी मुख्य परीक्षा की कक्षाएं मिलने लगेंगी। कक्षाओं का मतलब क्या है कि आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आप प्रश्न हल करके आओगे, हम चेक करेंगे उसको टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कमी होगी बताएंगे और साथ ही साथ आपको उन प्रश्नों का डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा, डिटेल्ड में बताऊंगा आके लाइव कि भाई इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखना था, इस प्रकार से इन बिंदुओं को समाहित करना था, इन चीज़ों से आपको बचना था, पूरी आपकी जो एक होता है कि मॉडल आंसर जो आपका बनता है, तो मॉडल आंसर कैसे लिखते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आप में से कम 10 छात्र तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करना है। जितने भी लोग तैयार हैं मुख्य परीक्षा की तैयारी पहले दिन से प्रारंभ करने के लिए कमेंट बॉक्स में यस टाइप करिएगा। और यदि 10 छात्र तैयार हो जाते हैं तो उसी दिन से आपकी मुख्य परीक्षा से संबंधित कक्षाएँ आपको देखने को मिलने लगेंगी। कक्षाओं का मतलब है कि प्रश्न आप हल करोगे, उनका डिस्कशन होगा, उनको बताया जाएगा किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, आपकी कमियाँ बताई जाएंगी, आपकी शाब्दिक छुट्टियां बताई जाएंगी। और याद रखिए, बात मान के चलिए, यदि आपने पहले दिन से अध्ययन नहीं किया, मुख्य परीक्षा का प्रयास नहीं किया, तो यदि आप सोचो कि नवंबर तक यदि प्रारंभिक परीक्षा होगी, दिसंबर में रिजल्ट आता है, उसके बाद हमें 2 महीने का समय मिलेगा, और 2 महीने में यदि आप बोलो कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर ले जाओगे, असंभव है। मुख्य परीक्षा की तैयारी 2 महीने में नहीं होती है, कम से कम 1 वर्ष का समय आपको देना पड़ता है। तो मैं आपको एक प्रकार से वार्न भी कर रहा हूँ, यदि आप इसी बार क्वालिफाई करना चाहते हो तो निश्चित रूप से आपको सहयोग करना पड़ेगा। करना चाहते हैं तो करिए, अन्यथा आप वही जो आपकी पुरानी परपाटी है, जिसपे सारे लोग चलते हैं, जो पुरानी लीक है, जिसपे सारे लोग चल रहे हैं और असफल रहे हैं, उसी पर चलना है तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब इसमें मुख्य परीक्षा का रोल, क्योंकि आप 1500 देख रहे हो, 1500 अंकों की मुख्य परीक्षा है, तो निश्चित रूप से रिटर्न आपका बेहतर होना चाहिए, शब्दों की पकड़ होनी चाहिए, शब्दों की समझ होनी चाहिए, शब्दों के प्रयोग का तरीका आपको आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये सारी चीजें आपसे बेहतर कौन कर सकता है, आपसे बेहतर वही कर सकता है जो यूपीएससी लगातार लिख रहा हो, भले ही क्वालिफाई ना कर पा रहा हो, लेकिन लगातार यदि कोई यूपीएससी लिख रहा है तो निश्चित रूप से उसकी शैली आपसे बेहतर होगी। ठीक है, अगर वो 2 महीने समय देगा और आप 1 साल दोगे तब भी उसकी बराबरी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इन चीजों के लिए आपको तैयार रहना है। जो भी छात्र हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप करना है, आपको यस आप टाइप करोगे, वहाँ पे मैं, आप जितने लोग यस टाइप करेंगे मैं आपको टेलीग्राम की लिंक देता रहूँगा, आप उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप को, वहाँ पर आपकी तैयारी विधिवत रूप से होगी। प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या करा सकता हूँ मैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक तो आपका जो उत्तराखंड स्पेशल है उससे संबंधित एक पेड बैच प्रारंभ होने वाला है, 399 रुपये आपका शुल्क है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड स्पेशल से संबंधित है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपका प्रत्येक दिन का लाइव सेशन होता है,
प्रत्येक दिन का लाइव सेशन होता है, आप इस लाइव सेशन में उपस्थित रह सकते हैं और इस लाइव सेशन में उपस्थित रहकर आप कक्षा कर सकते हैं। क्योंकि जो लाइव सेशन होता है इसका फॉर्मेट जो अब होने वाला है, इसमें 10 प्रश्न आपके हिस्ट्री से, 10 प्रश्न आपके जियोग्राफी से मतलब 10 इतिहास, 10 भूगोल से, 20 प्रश्न उत्तराखंड से और 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर से प्रतिदिन रहेंगे। और यदि इतने प्रश्न आप देखते हो, हम अगर 50 प्रश्न का टारगेट करके लेके चलते हैं और 50 प्रश्न को यदि हम डिटेल्ड में जब देखेंगे तो यदि 10 प्रश्न किसी विषय के हैं तो इससे कम से कम हमारे कुछ नहीं तो 20 टॉपिक कवर होंगे, क्योंकि डिटेलिंग कराई जाएगी, उनके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। और यदि डिटेल में बताया जाता है, प्रश्नों के जवाब ही टिक नहीं कराने, हमें उसके बारे में और बताना है, उससे जुड़े जो भी पहलू हैं उनका हमें अध्ययन करना है, तो निश्चित रूप से एक घंटे में हम 30 से 40 प्रश्न 50 प्रश्न देख सकते हैं और उससे हमारे बहुत सारे टॉपिक क्लियर होंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप लाइव सेशन से जुड़ें और लाइव सेशन का जब आप करते हैं तो जो अतिरिक्त चीज़ें बताई जाती हैं उसको नोट डाउन कर लें, क्लास खत्म होने के बाद एक बार रिवाइज कर लें। इसके बाद आपको जो करना है अपने स्तर से आप कर सकते हैं। आपके लिए मैं टारगेट प्रोग्राम भी लाता हूं, टारगेट प्रोग्राम चल रहा है, सेकंड वीक का मैंने टारगेट प्रोग्राम दे दिया है कि क्या आपको पढ़ना है, और मेरा प्रयास है कि 2 महीने में हमें आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट करा लेनी है, ठीक है। तो आप में से जो भी छात्र जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं मुख्य परीक्षा की पहले दिन से करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में यस टाइप करिएगा। जो लोग प्रारंभिक परीक्षा के लिए जुड़ना चाहते हैं, आपका प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे से लाइव सेशन होता है, सुबह 9 बजे सोमवार से शनिवार तक लाइव सेशन होता है, इस लाइव सेशन में उपस्थित रहें, आपकी बेहतर तैयारी जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी जानकारी है, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो जो लोग उत्तराखंड देना चाहते हैं प्लीज फॉर्म फिल कर दीजिए और फॉर्म फिल करके उसी दिन से आपको तैयारी में लग जाना है, ठीक है। सोचने समझने का समय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हजारों की संख्या में कैंडिडेट ऐसे हैं, दो वर्षों से लगातार लगे हुए थे और सिर्फ इस अवसर का इंतजार कर रहे थे, ठीक है। तो यदि आपको इस अवसर को भुनाना है तो आज से आपको लग जाना है, और सोचने समझने का समय यहाँ पर नहीं है। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। जितनी बातें मैंने कही हैं उससे यदि सहमत हैं तो आप आगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, निश्चित रूप से जो भी आप कहेंगे उस आधार पर मैं आगे लेकर आपको चलूँगा। धन्यवाद।